Welcome to Borial News. Two police aspirant arrested for fake certificate in Dimahasa. Two persons have been arrested in connection with fake certificate in current recruitment of Assam Police. हाँ, ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो कमांडो की जो परीक्षा चल रही है, जो हमारा फिजिकल टेस्ट है, फिजिकल एफिशिएंटी टेस्ट, वो 5 APBN में हो रहा है। तो उस टाइम में दो लड़के हैं, एक 24 तारीख और एक 26 तारीख, दो अलग अलग तारीख में दो लड़के पकड़े गए हैं। तो उनके पास जो सर्टिफिकेट था और ड्यूरिंग रूटीन चेकिंग उसका सस्पिशियस लगा है, तो चेकिंग किया है। चेकिंग करने में बोथ द सर्टिफिकेट्स हैव बीन फाउंड टू बी फेक, तो अकॉर्डिंगली वी हैव रजिस्टर्ड केस और उनको अरेस्ट कर लिया गया है। दोनों लड़के काचार के थे। सर, वो दो लड़के क्या यहाँ पे रहते थे या फिर? दोनों लड़के काचार के थे। सर, वो जो सर्टिफिकेट फेक है, वो लोग कुछ इंस्टीट्यूट से निकाला या? वो अभी तक तो जितना पता चला इंस्टीट्यूट का नहीं है, तो कुछ ना कुछ फॉर्जरी का केस सामने आया है। और सर, वो जो दो लड़का को जो पकड़ा गया है, क्या उन लोगों का नाम बताना चाहेंगे? दो, एक अमित और सूरज करके है, ये काचार डिस्ट्रिक्ट के। उधर काचार डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मतलब एग्जाम देने के लिए आए थे ना? हाँ, एग्जाम के लिए। एग्जाम तो 30 तारीख तक जाएगा, उसके बाद और भी हमारे जो APRO है, APRO के और भी आएंगे, तो उसका भी एग्ज़ाम सोनटीला में कंडक्ट होगा। तो नेक्स्ट मंथ के हाफ तक चलते रहने की संभावना है। ये केस अभी तो एक्चुअली जो परीक्षाएं होती हैं, कोई कोई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो समटाइम्स दे ट्राई टू यूज़ रॉन्ग मीन्स फॉर गेटिंग इन टू एम्प्लॉयमेंट, बट अक्सर वो पकड़े जाते हैं। और ऐसा है कि वन लेवल ऑफ चेकिंग इज़ डन राइट नाउ, उसके बाद जब परीक्षा पूरा पास भी हो जाता है, उसके बाद भी एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट देने से पहले एक बार फिर से उनके जो पेपर्स हैं चेक किए जाते हैं। तो नासमझ कुछ लोग समझते नहीं कि सिस्टम जो है बहुत टाइट से बनाया हुआ है, तो नोबडी शुड ट्राई टू यूज़ दिस फेक काइंड ऑफ मीन्स, अनएथिकल मीन्स टू गेट इन टू एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज और अदरवाइज। The duo have been identified as Amit Karmakar, 24, a resident of Udarbon, and Suraj Karmakar, 31, a resident of Kalain, both in Kachar district. They have been arrested in a document verification for the police recruitment. The duo have been charged under IPC Section 120, Subsection B, 419, 471 and 470. With camera person Sushanta Lawang Disa reporting by Pankaj Timung, Borial News.